से सोना है तो कछुआ जलाओ, क्योंकि मच्छर बड़े हैं। सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी आपने देखी होगी, लेकिन सब्जियां चीरती हुई महिलाएं आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दुनिया से महिलाओं का वजूद ही खत्म हो गया है। चारों तरफ कोहरा मच चुका है। इसका मतलब यह है कि कलयुग खत्म हो चुका है और शुरू हो गया है गुड युग। ये क्या है? मैं तो अच्छा दिखता हूं, ये आईना क्यों लाया है? मेरे को लगता है ये आईना ही है। सच्ची में आईना है, लेकिन मैं और एक तरकीब करूंगा। अमर अकबर एंथोनी में अमिताभ बच्चन ने किया था, कितना मारा तेरे को, मैं भी मार के ये साबित करूंगा कि ये आईना ही है। अबे ये आईना नहीं है तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ तू चुप कर। मैं लेकर आया हूँ एक ब्रेकिंग न्यूज। गाजियाबाद में कल रात 4 लोगों के साथ सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी जो सन्न कर देती है। ये क्या, मेरे लिए दो दो आईने रखे हैं? एक आईने में मैं मोटा लग रहा हूँ और दूसरे आईने में मैं लंबा और भद्दा। लेकिन चाटा मार के चेक करूंगा। अभी मैं मारूंगा चाटा। अरे मेरे क्यों मारा? तुम कौन हो? हाँ, तुम कौन हो? सालो अपनी बाप की आंख में उंगली मारो। हम तीन यहाँ पर एक मकसद से आए हैं, तो आइए उस मकसद को पूरा करते हैं। जी हाँ, 1 2 3 चैन से सोना है तो कछुआ जलाइए, क्योंकि मच्छर बड़े हैं। तुम लोग मारने आए, एक करने आए हो? एक तो दुनिया से औरतों का वजूद खत्म हो चुका है। बिल्कुल सही कहा तूने, वाकई वजूद खत्म हो चुका है। सास बहू के सीरियल की जगह अब टीवी पे आ रहा है साड़ू और साले की मस्तियां। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है, पूरी औरतें खत्म हो गई लेकिन अर्चना जी कैसे बच गई? ये भी विपुल की बहुत बड़ी चाल है, जो टीनू आनंद के दांत तुड़वा के श्रुति बना सकता है तो गोगा कपूर की मूछें कटा के अर्चना क्यों नहीं बना सकता? लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सोहेल का ही है। पहले तो श्रुति उससे छिन गई और दूसरी छिन गई बिरयानी, क्योंकि दोनों ही स्त्रीलिंग है। अरे वो तो ठीक है, बिरयानी की जगह सोहेल भाई पुलाव मंगवा लेंगे, लेकिन श्रुति जैसी कामवाली कहां से लाएंगे? अब दोनों मोटो जाओ और चेंज करके आओ, एक भी आगे बढ़ाना है। जाते हैं। अबे मैं क्या तबला बेटी वाला हूँ क्या? बार बार मार के जा रहे हो, जल्दी जाओ तो देखा आपने पूरी दुनिया में औरतों का वजूद खत्म हो चुका है। अब औरतें ढाई ढाई घंटे संभाल रहे भाई मेरे को, ढाई ढाई घंटे मेकअप कौन करेगा? मर्दों पे इल्जाम कौन लगाएगा? अब माँ के प्यार के लिए तरसेगा बाप, क्योंकि दुनिया से औरत जाति खत्म हो चुकी। मैं भी ये चोटी बांध के घूमता हूँ, बाल खोले तो लोगों को मैं ही औरत लगता हूँ। बताइए मर्द लोग कहाँ जाएंगे? वेर डिड दे गो? ते कोठे दानार, मला काहीच कळत नाही, किधर जाएंगे वो लोग कुछ पता नहीं। हम हैं दीपक जान। अब क्या करें, दुनिया में औरतें सारी खत्म हो गई हैं, तो अब मर्दों को क्या क्या करना पड़ता है देखिए ना। हाय 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 दीपक जान, तुम्हारी मोहब्बत में हमारा दिल अटक गया है, तुम्हारी मोहब्बत में हमारा दिल अटक गया है। जुल्फों से फिसल के
तुम्हारी दाढ़ी में अटक गया है। हाय 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 हाय। अरे तो जल्दी किस बात की है, जरा जाम से जाम मिला के तो देखो। जल्दी किस बात की है, जरा जाम से जाम मिला के तो देखो। बस एक बार दाढ़ी से दाढ़ी मिला के तो देखो। चलो आओ ना, जिस चीज के लिए हम इधर आए हैं वही करने चले। आइए आइए। देखा आपने, आप क्या सोच रहे हैं, क्या होगा इस पर्दे के पीछे? वाह हो रहा है कुकर्म का तांडव। आइए आपको दिखाते हैं क्या कर रहे हैं। तुम एकदम कंफर्टेबल हो ना दीपक? हाँ एकदम। अरे जल्दी जल्दी निकालो। सबर कीजिए ना, खोलने तो दीजिए। अरे वाह वाह, मजा आ गया, ब्रांड न्यू। ऐसे लगता है जैसे किसी ने छुआ तक नहीं है। अरे 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 दीपक जान, ये तो तुमने फंसा दिया। जरूर, ये क्या कह रहे हैं आप, फसाया तो आपने है। फसवा फसवी की बातें कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तुमने चीटिंग करके फसाया है। अरे चीटिंग तो ये कुदरत के साथ कर रहे हैं। अरे ये तो होना ही था, सच कहता हूँ। अरे अब तो औरतें खत्म होने से आलम तो ये हो गया है, सुबह मैं घर से निकला तो मेरे पापा ने मेरे लिए कोबा का सब्जा बनाया था। वो खाके मैं नीचे उतरा और मैंने गाढ़ा शुरू किया तो गाढ़ा शुरू ही हो नहीं रहा था, क्योंकि मैं चाबा ऊपर ऊपर भूल के आया था। स्त्रीलिंगी खत्म हो रहा है, सच्ची बोल रहा हूँ, ये तो आम बात है। अभी त्योहारों का भी वही हो रहा है, दिवाली का दिवाला हो रहा है, होली का होला हो रहा है, लोड़ी का। सब समझ गए? नहीं समझ जाएंगे, ये मर्द लोग कभी औरत को नहीं समझेंगे, ये तब समझेंगे जब औरत की असली अहमियत को समझेंगे। सही बात है यार, कोई इज्जत नहीं करता औरत की। तुम लोग को पता है हर चीज औरत से जुड़ी है, धरती माता, भारत माता। अरे तुम लोग से अच्छे तो कुत्ते जानवर है। वो कैसे? तुम्हें पता है कल रात को 5 कुत्ते एक अंधेरे में खड़े थे, एक कुत्ती वहां से निकल रही थी। कुत्ती इन 5 कुत्तों को देख के डर गई, लेकिन वो कुत्तों में से एक कुत्ता आया और कहने लगा, बहन हमसे डरो मत, तुम सेफली घर जा सकती हो, हम कुत्ते हैं इंसान नहीं। ये तो सही है। वैसे आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये इमेजिनेशन राउंड है? तो ये हमारा इमेजिनेशन है? नहीं 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 नहीं, इस इमेजिनेशन को रियलिटी बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों हंसी नहीं आई? अरे इसी बात पे हंसना भी नहीं चाहिए दोस्तों, जरा समझो। सही बात है, हमारे एक्ट खत्म होने के बाद आप लोग बातें करते हो और हम लोग बाहर जाके सोचते हैं, लेकिन अब हम लोग बोल रहे हैं और इनके साथ पूरा भारत जो घर में बैठा है। प्लीज एक बार सोच के देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं।